डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही मस्त और इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी के भी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और आप जो है इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखिएगा और उसमें लगे हुए मात्रा को भी ध्यान से लिखिएगा, ताकि आप जो है हिंदी पढ़ने के साथ साथ हिंदी भी लिखना सीख जाएं। तो चलिए बिना देरी के भी क्लास को शुरू करते हैं। तो इंटरेस्टिंग कहानी का नाम है सत्यवादी हरेश चंद्र। ये कहानी आप बहुत पहले सुन चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, इस कहानी को फिर से हम ताज़ा करते हैं और उसके साथ में जो है हिंदी पढ़ना भी सीखेंगे और साथ साथ में लिखना भी सीखेंगे। तो चलिए क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। सरयू के तीर पर एक नगर है, अयोध्या। अति प्राचीन काल में वहां हरिश्चंद्र नामक राजा हुए। वे बड़े सत्यवादी थे। वे किसी को कुछ देने का वचन देते तो उसे अवश्य पूरा करते थे। एक बार उन्होंने स्वप्न में विश्वामित्र को अपना पूरा राज्य दान कर दिया। विश्वामित्र महर्षि थे। दूसरे दिन जब महर्षि सामने आए तो हरिश्चंद्र ने उन्हें सारा राज्य दे दिया। विश्वामित्र ने कहा, राज्य तो दान किया पर दक्षिणा कुछ न दिया। दक्षिणा के बिना दान सफल नहीं होता। अतः 1000 सोने के सिक्के और दो हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। सारा राज्य तो दान कर चुके थे। राजकोष पर अब उनका अधिकार नहीं रहा। अतः उन्होंने विश्वामित्र से 1 महीने का समय मांगा। हरिश्चंद्र सारा सुख छोड़कर पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ दूसरे राज्य के काशी नगर में चले गए। काशी नगर गंगा के तीर पर बसा था। वहाँ बहुत धनवान लोग रहते थे। हरिश्चंद्र को काशी
में बड़ा कष्टमय जीवन बिताना पड़ा। सड़क के किनारे रहते और किसी से कुछ मांगते नहीं थे। दिन रात यही चिंता सताती कि विश्वामित्र को 1,000 स्वर्ण मुद्रा और चुकाना है। कई दिन बीत गए तो अपनी पत्नी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ 1,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर बेच दिया। रोहिताश्व छोटा बालक था, उसे ब्राह्मण ने नहीं खरीदा था, पर माँ को जाते देखकर वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। ब्राह्मण उसे रखने को तैयार नहीं था, पर माँ ने विनती की कि यह भी मेरे साथ आपकी पत्नी की कुछ सेवा करेगा। आप जो कुछ खाने को देंगे हम दोनों उसी में गुजारा कर लेंगे। ब्राह्मण मान गया। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को ब्राह्मण के पीछे पीछे तब तक देखते रहे जब तक वे आँखों से ओझल न हो गए। सूर्यास्त हो रहा था। हरिश्चंद्र अब विश्वामित्र से मिलने और उन्हें दक्षिणा देने की बात सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र आ पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें 1,000 सोने के सिक्के दे दिए। अब हरिश्चंद्र अकेला रह गए। सोचने लगे क्या करूं, कहां जाऊं। सोचते और आगे बढ़ते वे शमशान घाट पर पहुंच गए। वहां चंडाल से भेंट हुई। वह शमशान घाट का ठेकेदार था। उसका काम मुर्दा जलाने का कर वसूल करना था। उसे एक ऐसे सेवक की
जरूरत थी जो रात में वहां रहकर कर वसूला करे। हरिश्चंद्र उसका सेवक बनने को तैयार हो गए। हरिश्चंद्र सारी रात शमशान घाट की चौकीदारी करते और वहां जो मुर्दे लाए जाते उनके जलाने का कर वसूलते। बहुत दिन बीत गए। एक रात एक स्त्री रोती बिलखती अपने छोटे बच्चे का शव लेकर शमशान घाट पहुंची। वह शव के साथ अकेली थी। हरिश्चंद्र ने दूर ही से कहा, ठहरो ठहरो, शव जलाने के पहले मुझे कर दे लो। फिर लाठी लिए उसके निकट पहुंच गए। उस स्त्री के पास मरे बच्चे की देह ढकने के लिए कफन तक नहीं था। स्त्री ने आवाज पहचान ली, समझ गई कि ये उसके पति हैं। बोली, महाराज आपने कैसा भयानक रूप बना रखा है, यह तो आपका ही पुत्र रोहितासव है, इसे सांप ने काट लिया, अब यह मरा पड़ा है। हरिश्चंद्र को गहरा शोक हुआ, पर वे सत्य नहीं छोड़ सकते थे। कहा, मैं कर की चोरी तो नहीं कर सकता, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि बिना कर दिए कोई मुर्दा न जलाने पावे। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, तुम मुझे कुछ देकर ही पुत्र की देह जलाओ। शैवया फूट फूट कर रोने लगी। हरिश्चंद्र शव को बिना जलाए अपने हाथों उठाकर गंगा की धार में बहाने चले। उस रात खूब ठंड पड़ रही थी। गंगा का जल भी बर्फ की तरह ठंडा था। शव को
ज्यों ही जल में डुबाया बच्चे ने आंखें खोल दी, सांप के काटने पर वह बेहोश हो गया था, मरा नहीं था। शमशान के ठेकेदार को जब मालूम हुआ कि उसका सेवक इतना सच्चा और ईमानदार है कि उसने बिना कर लिए अपनी पत्नी को अपने बच्चे का शव जलाने नहीं दिया, तो बड़ा खुश हुआ। उसने 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर उसकी पत्नी को वापस लाया। अब हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र के साथ रहने लगे। काशी के राजा हरिश्चंद्र को जानते थे। जब उन्होंने सारी बातें सुनी तो हरिश्चंद्र से राजमहल में रहने का आग्रह किया, पर हरिश्चंद्र राजी न हुए। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से हिंदी पढ़ना सीखे और साथ साथ लिखने का भी प्रयास करें। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की हिंदी की क्लास का वीडियो जो है आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी की क्लास में एक नए स्टोरी के साथ।